अंतिम, तुम पहला सवाल कैसे पूरा कर सकते हो? कैसे? अकरम बकरम आंडू बांडू गांडू। अबे इसकी बहन का, अबे नालायक के बच्चे, हमारे नसीब में तो शैतान भी उल्टे टुंटे रह गया साले। अबे टुंटे कैसे हो गया तू? अरे वो रात बहू ने छत पे से धक्का दे दिया था, लेकिन तुम टेंशन ना लियो, एक हाथ बाकी है अभी। और ये मजदूर का हाथ काट दिया, लोहा पिघला कर उसका। चुप बे साले, कोयले की खान से निकले हुए सनी देओल, बीवी तुझसे पिघलना रही है, लोहा पिघला का साले रेटू। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी होने वाली बीबी का भाई आलिश, उसकी आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए हातिम सात सवाल पूरे करने के लिए निकला है। अगर उसने वो सात सवाल पूरे कर लिए तो खजाना मेरी कभी नहीं हो सकती, और ये किला हम पर ही ढा जाएगा। तो मेरे लिए क्या हुक्म है? हातिम दूसरा सवाल पूरा ना कर पाए, उसकी खाल को तन से जुदा करने का काम तुम्हारा है। जो हुक्म जादूगर भाड़ू। अब जल्दी से निकल, वरना ये जादूगर भाड़ू तेरे थोपड़े में रख के फेर देगा झाड़ू। एक इस पट्टी ने दुख दे रखा तेरी बहन। ओबे पहले तो ये बताइए गुटका कोने में, ये तो ओम्फो वाले चाचा, अरे बताओ ना अपने बारे में। ले भैया ले ओम्फो धर्राइट काट रही है, ले भैया धर्राइट। हमारा आका इतना पैदल चलता तो एक स्कूटर खरीद लेता। हमारा आका मुझे तो डर लग रहा। चाचा मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने बुजदिल और डरपोक निकलोगे। मुझे यूं इस तरह से इस जंगल में अकेला और तनहा छोड़कर चले जाओगे। इससे पहले ये इसे मुर्गा समझकर उबाल कर खाएं, मुझे इसे बचाना होगा। और भाई क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, थार लेने की सोच रहा हूँ। अगर मैं तुझसे कहूँगी तुझे क्रिकेट देखते देखते एक ब्रांड न्यू एसयूवी महिंद्रा थार मिल सकती तो मानेगा? विश्वास नहीं हुआ ना, लेकिन ये एकदम सच है। तो कैसे जीत सकते हैं द बेस्ट एसयूवी महिंद्रा थार? सीक्रेट है आपके क्रिकेट के नॉलेज। 2 नवंबर से इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें माई 11 सर्कल ऐप और टीम बनाएं इस मैच के लिए। और हाँ, माई 11 सर्कल ऐप पे फैंटेस्टिक क्रिकेट खेलना बहुत आसान है। बस आपको दोनों टीमों में से 11 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं, आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको पॉइंट मिलेंगे, और अगर आपके पॉइंट्स आपके अपोनेंट से ज्यादा होते हैं तो आप माई 11 सर्कल ऐप पर क्रेजी कैश प्राइज जीत सकते हैं। टूर्नामेंट के हर मैच डे में होगा कॉन्टेस्ट, ज्वाइन करें और जीते द एसयूवी महिंद्रा थार। अगर इस वीडियो को इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच के बाद भी देख रहे हैं तो तब भी आप टीम बना लेना, क्या पता आप अगले मैच में जीत जाओ। अगर तू डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करता है ना और डिपॉजिट करता है जो अमाउंट 20% एक्स्ट्रा रियल कैश मिलता है माई 11 सर्कल अकाउंट में, तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाओ डाउनलोड करो और टीम बनाओ माई 11 सर्कल ऐप पर। इस शख्स को छोड़ दो। उबाला मैं भाई साहब, ये आदमी है अंडा थोड़े है जो उबालोगे सालो। अक्षम तोक्षले दुख तेरे फटफटिया। अबे ऐसा दवाई वाई ना पिलाई क्या? अक्षम तोक्षले दुख तेरे फटफटिया। मेरी बहन का फटफटिया मारू साले, हिंदुस्तान के अंदर एक से एक भाषा सुनी हुई मैंने, लेकिन साली ये फटफटिया वाली भाषा कहीं नहीं सुनी। मतलब तुम चाह क्या रहे हो भाई? हे, हमारे रास्ते से हट जाओ, यहाँ से हमारा टार्जन गुजरता है।
अबे तो नलायक को इतनी जगह पड़ी तो है यहाँ को, भाई यहाँ को तो पूरा हाथ ही निकल जाएगा। और तुम पहले इस बच्चों को छोड़ो। अबे कैसी बातें कर रहे हैं, बच्चा पैदा करने वाले को बच्चा बोल लिया। ए, तुम अभी हमारे टार्जन को जानते नहीं हो। जब हमारा टार्जन आता है ना, सब सफाया हो जाता है। क्यों बे, तुम्हारा टार्जन सफाई कर्मचारी है क्या बे? यहाँ को ये बैठे जरा, 5 रुपए का और नाची। चिपड़ी चिपड़ा चिपड़ी चिपड़ा 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 कुतिया ने कुत्ता ने आमिर खान की पिक्चर बैकआउट सकीना सकूरी सकूरा। तो कौन से गोली की भाषा भैया? यो नहीं बताऊंगा। वावा वावा। अबे तेरी बहन का मैंने को यहाँ पे लतीफा सुनाया है जो तू वावा कर रही है। और हाँ, मैं इस जंगल का नाजिम हूँ। अबे जंगल का भी कोई नाजिम होता है क्या? हाँ मैं हूँ ना, मेरा नाम नाजिम है। तो फिर ये टार्जन कौन है? वो तो लोग मुझे प्यार से कहते हैं। और तू जपोड़ी जपाला जपोड़ी जपाला। अबे तेरी ओ तू कौन है, तेरा नाम क्या? ओ तू कौन है, तेरा नाम क्या? ओ अमिताभ बच्चन जैसे तू कौन है, तेरा नाम क्या? अरे ना हम अमिताभ, ना दिलीप कुमार, ना किसी अड़गे अड़गे हातिम, और हम है सीधे सादे हातिम हातिम, हम है सीधे सादे हातिम हातिम। प्रेम रतन धन पायो मैंने, प्रेम रतन धन पाया, और तू जंगल में क्या करना आया? अरे आए हम सवाली। अरे वाह हातिम, क्या बात है। हाँ, अरे आए हम सवाली सवाल ढूंढने, और बिना पिटे आ जाओ सोल तुम सब होश में। हमको हातिम जी माफ करना, गलती धोखे से हो गई। हराम करो, निकल लो निकल लो निकल लो, अरे निकल लो निकल लो निकल लो निकल लो। बहुत बहुत शुक्रिया हातिम भाई। ये तो मेरा फर्ज था, और आज से तुम आजाद हो, तुम अपने घर जा सकते हो। अरे मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरी जान आप पे कुर्बान। मैं चाहता हूँ कि वो आपके सवाल ढूंढवाने में मैं आपकी मदद करूँ। आप बस मुझे ये बताइए वो सवाल कौन से हैं? मैथ का, जोड़ का, गुना का, साइन थीटा, मैन थीटा, एणा वेणा गैरा। अरे आप तो बेटे छोटू, तू अपने घर को जा, मैं खुद ढूंढ लूंगा सवाल। अरे मेरे आका, इते केते जाने दूंगा, जब तक मैं तुम्हारे एक एक एहसान का बदला नहीं उतार दूंगा तब तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक बार देखा है बार बार देखने की हवस है। आका, ये सवाल है या शाहरुख खान की फिल्मों का डायलॉग? आका कहाँ खो गए? चाचा जान, इस सवाल से तो मुझे सेटिंग की याद आ गई। सेटिंग? हाँ, आ तुम्हें बताता हूँ। तो चलो। अरे अरे आलिश, मेरे प्यारे भतीजे, तुम कहाँ जा रहे हो? चाचा जान, मेरा दिन नहीं लग रहा। आलिश, अभी तुम्हारी आंखों की रोशनी इतनी नहीं आई है जो तुम अकेले बाहर जा सको। अरे
हाँ तो जुम्मन चचा, हुआ यूं, कई साल पहले मैं और मेरे सरफराज खालू एक शादी में पहुंच गए। शादी में? अम्मा आका, तुम्हें किसने बुला लिया शादी में? अरे हमें कोई शादी में ना बुलाता था, मैं और मेरे खालू जबरदस्ती को जाग रहे थे कहियो। जबरदस्ती? और किसी से कहियो तो हो मत ना। मेरे सरफराज खालू ने तो लोगों की तेरहवीं तक का खाना ना छोड़ा, वहाँ पे मुँह मार आया करते थे। अबे बड़ा हाथी खालू है, फिलहाल आगे की बताओ। हाँ तो जब हम उस शादी में पहुंचे तो वहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत लड़की थी भाई, सोई और लोंडा उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ। अब हमने सोचा हमसे पहले उस लड़की को कोई इजहार मारे, उससे पहले हम इजहार मार देते। हम गए पूरी फॉर्म में और जो वहाँ पहुँच के जो लड़की को इजहार मारा, फिर क्या हुआ? फिर क्या होता, पूरी शादी वालों ने मुझे मारा तो मारा, साथ में मेरे खालू को भी मारा। तब से आज तक मेरे खालू किसी नोते वाली शादी में भी ना जाते। और वो लड़की, उस लड़की को एक बार देखा था, दूसरी बार देखने की ख्वाहिश रह गई। अबे क्या लैंडी स्टोरी थी, मेरे तो सर में दर्द हो गया। अरे आका इसे छोड़िए, अब ये बताइए उस सवाल का क्या करना है? सवाल? हाँ चलते हैं ना, चलो चलिए। अम्मी जान आप कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? आपकी बहुत याद आती है अम्मी जान, आ जाओ ना वापस अम्मी जान। आलिश मेरे भाई तुम फिक्र मत करो, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। और मैं हूँ ना तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब हम खेलने चलते हैं। नहीं मेरा मन नहीं, आप जाओ। आलिश मेरे प्यारे भतीजे, तुम्हारे चाचा जान है ना तुम्हारे पास? चाचा जान? मेरे भाई जान कहाँ चले गए, मुझे उनकी बहुत याद आती है। तुम फिक्र मत करो मेरे प्यारे भतीजे, तुम्हारे चाचा जान किसी काम से बाहर गए हुए हैं, जब तक वो नहीं आ जाते तुम अपने चाचा जान के पास ही रहोगे। अरे आका क्या नजारा है। अबे चुपचाप चल ले, वरना साले के उल्टे हाथ का उल्टे गाल पे ऐसा खींच के दूंगा ना, उल्टी कलावा दिखा के उल्टा गिरेगा जाके। अरे आका तुमने तो सब उल्टा पुल्टा कर दिया, मैं तो इस नजारे की तारीफ कर रहा था। अबे अपनी नजर नजारे से हटा जुम्मन, क्योंकि यहाँ पे हमारी जान को खतरा भी हो सकता है। अमा हातिम कैसी बातें कर रहे हो, मेरे होते हुए किस बात का खतरा? अबे लोखड़ू तेरी जान तो खुद मैंने बचाई उन आदिवासियों से, वरना साले वो तुझे सुबह के नाश्ते से पहले उबाल देते। अमा हातिम तुम्हारी बातें सुन के मुझे अपनी बीवी की याद आ गई, वो भी मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलती थी। एक आध अच्छी बात मुझे भी बताइए जरा, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। अरे वो बोलती थी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सर दर्द है तू और इस दुनिया का सबसे बड़ा नामर्द है तू। अबे वो अच्छी अच्छी बात नहीं बोलती थी, मजे मजे में तेरी पोल खोलती थी। अबे अब ये दूसरी आफत। अबे किस कदर हंस रही है। अरे आका इसको देख के तो मुझे अपनी बीवी की याद आ गई। क्यों वो भी ऐसी हंसती थी क्या? अरे नहीं आका वो भी इसके जैसी डरावनी थी। तुम दोनों में से हातिम कौन है? ओह तो तू है हातिम। ये अबे 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 झूठ मत बोल बे, तू ये हातिम, ये हातिम। अरे आका कैसी बातें कर रहे हो, अब मैं सामने खड़ी हूं तो डर रहे हो? आका झूठ मत बोलो, तुम ही हो हातिम। आका मैं नहीं हूँ। अरे ये है। अरे भाई साहब तुम इसकी बात पर यकीन मत करना, इसे तो आता था नए आदमी से झूठ बोलने की। हातिम जो भी है अब तुम दोनों मरोगे, कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ। हाँ है ना, हमारा एक सवाल है और वही हमारी आखिरी ख्वाहिश है। बताओ क्या सवाल है? वो सवाल है एक बार देखा है बार बार देखने की हवस है। उसे देखने की तो मुझे भी बहुत हवस है, लेकिन हमारे जादूगर भाड़ू की तरफ से हमें इजाजत ना है। तो बताओ वो सवाल आखिर है क्या? महरूम के इलाके में खूबसूरत हसीना रहती है, जो भी उस इलाके से गुजरता है वो उसकी हवस का शिकार बन जाता है। अगर तुम उसकी हवस के शिकार होने से बच के वापस आ गए तो वही तुम्हारे सवाल का जवाब होगा हातिम। अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। अमा हातिम, अमा ये तो हम दोनों को मार देगा, कुछ सोचा?
तुम जाके बैठो जरा उधर को। मरने के लिए हम नहीं, मरने के लिए तुम तैयार हो जाओ मालूम। मेरे ही बनावे शैतान आदिम को जा जाके बता रहा है कि इस सवाल का जवाब कैसे ढूंढना है। लाला तो मुझसे जो मैंने ऐसे टुंटे फुटे पैदा करे, अब मैं क्या करूं? अब मैं खुद आदिम को सवाल पूरे करने से रोकूं तो उससे तो मेरी खुद फटे है। उसकी मौत सोचनी पड़ेगी। लेकिन यार सोचूं क्या? अमा हातिम, क्या फाइट की है, क्या मारा है उसको? ये देख के तो मुझे अपनी बीवी की याद आ गई। क्यों, तुम भी ऐसी मारते थे क्या अपनी बीवी को? मैं उसको नहीं मारता था, वो मुझे मारती थी। अरे ढकनिया के चुपचाप चल ले, वरना साले तुझे पता है ना तेरे को उल्टे हाथ का उल्टे गाल पे ऐसा दूंगा ना के दिमाग खराब कर रहा। अरे आका, ये तो वही जगह है। जब तक मैं अंदर से वापस ना आ जाऊं तुम मेरा यही इंतजार करना, आता हूं। एक बार देखा है, बार बार देखने की हवस है, क्या इस सवाल का जवाब जान सकता हूँ? बिल्कुल शहजादे हातिम। अबे माल तो कहड़ा, मैं तो खुद एक बार देख के बार बार देखने की हवस रखूँ। वैसे तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? हमारे यहाँ आने वाले का क्या हमें नाम भी पता नहीं होगा शहजादे हातिम? मैं उस सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। हातिम अपनी आंखें बंद मत कीजिए, आंखें खोल के हमसे बात कीजिए। अरे खोलने को तो मैं खोल लूंगा आंखें, लेकिन मामला गड़बड़ हो रहा। अगर उस सवाल का जवाब जानना है तो आंखें खोलनी होगी हातिम। ये हुस्न की हसीना तुम्हें अपने हुस्न की दावत देती है शहजादे हातिम। मेरा ईमान इतना भी कमजोर नहीं कि मैं अपनी बीवी के सिवा किसी और गैर लड़की का हाथ भी अपने हाथ में ले लूं। मुझे अपने खुदा पर पूरा भरोसा है। ये खुदा क्या होता है? जिसने मुझे, तुझे और पूरी कायनात को बनाया, जिसकी मर्जी बिना एक दर्द का पत्ता तक नहीं हिल सकता। देखते हैं फिर तुम्हारे ईमान में ज्यादा ताकत है या मेरे हुस्न में। तुम्हारे जैसे जिस्म फिरोश औरत का मुझ पर कोई जादू नहीं चल सकता। बेहतर है मेरा वक्त जाया ना करे। हातिम मुझे माफ कर दो। हातिम तुम पहले आदमजाद हो
जो मेरी हवस का शिकार नहीं हो सके। मेरे खुदा, मेरे आका कहाँ रह गए? अलवारा के लवारा, आका। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उस सवाल का जवाब जान सकता हूँ? ए अल्लाह के नेक बंदे, उस सवाल का यही जवाब था कि तुम मेरी हवस का शिकार नहीं बन सके। चाचा जान, चाचा जान, आप कहो चाचा जान, चाचा जान, चाचा जान। हाँ अपने चाचा जान की जान, बोलो क्या हुआ? चाचा जान मुझे पहले से ज्यादा दिखने लगा चाचा जान। अरे माशाल्लाह, लगता है हातिम ने दूसरा सवाल भी मुकम्मल कर लिया। या खुदा तेरा बहुत बहुत शुक्र है। मुबारक हो मेरे भाई आली। या अल्लाह, हातिम के रास्ते में आने वाली हर मुश्किल आसान फरमा और हातिम की हिफाजत फरमा। सो हे गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना एंड कमेंट्स करके बताना वीडियो कैसी लगी, बिकॉज वीडियो में बहुत ज्यादा मेहनत होती है यार। और गाइस, अगर आपके माइंड में कोई हातिम से रिलेटेड इस तरह का कोई सवाल हो जिस पर फनी वीडियो बन सके तो आप कमेंट्स करके जरूर बता देना। अगर सवाल पसंद आया तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और गाइस, न्यू महिंद्रा थार जीतने के लिए माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करें और फर्स्ट डिपॉजिट पर 20% एक्स्ट्रा कैश जीतें। लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। लव यू ऑल।